मूवी शुरू होती है साउथ अफगानिस्तान में, जहाँ पर मोहम्मद गोरी अपने सिंहासन पर बैठा हुआ है। उसके सामने बेड़ियों में जकर कर सम्राट पृथ्वीराज को रणभूमि में लाया जाता है, जो देख भी नहीं सकते। मोहम्मद गोरी का एक नौकर कुतुबुद्दीन ऐबक सम्राट पृथ्वीराज से कहता है कि या तो वो मोहम्मद गोरी के सामने अपना सर झुकाए या फिर बिना आँखों के रणभूमि में भूखे शेरों का मुकाबला करे। सम्राट पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी के आगे अपना सर नहीं झुकाते और बिना आँखों के शेरों से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। सम्राट पृथ्वीराज सिर्फ शेरों के पैरों की आवाज से ही उनका मुकाबला करते हैं और सारे शेरों को मार देते हैं। अब सम्राट पृथ्वीराज गोरी के सामने एक शर्त रखते हैं कि वो इस हालत में भी उसके कई शिकारियों का सामना कर सकते हैं, लेकिन इसके बदले में गोरी को, जो हिंदुस्तानी उसने कैद किए हैं, उन सबको आजाद करना होगा। इतना कहकर वो जमीन पर गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि शेरों से लड़ने के दौरान वो भी थोड़े घायल हो गए थे। अब कहानी फ्लैशबैक में शिफ्ट होती है, जहां पर सम्राट पृथ्वीराज का एक सेवक उनका संदेशा लेकर संयोगिता के पास पहुंचता है। यहाँ संयोगिता की सहेलिया उस सेवक के साथ ही सम्राट पृथ्वीराज को यह संदेशा पहुंचाती है कि वो जल्दी से कन्नौज जाकर संयोगिता को अपनी पत्नी बनाकर ले जाए। अब दूसरे दिन दरबार लगता है, जहाँ सुल्तान मोहम्मद गोरी का भाई मीर हुसैन का राजदूत सम्राट पृथ्वीराज के सामने आता है। वो मीर हुसैन को सम्राट पृथ्वीराज के यहाँ पर आसरा देने की आग्रह करता है। पृथ्वीराज उससे वजह पूछते हैं। वजह पूछने पर वो ये बताता है कि मीर हुसैन ने मोहम्मद गोरी की रखेल चित्रलेखा को भगा लिया है और इसीलिए मोहम्मद गोरी अपने भाई को मारना चाहता है, इसलिए वो आपसे मदद की गुहार लगा रहा है। दरबारी सम्राट पृथ्वीराज को ऐसा ना करने की सलाह देते हैं, लेकिन सम्राट पृथ्वीराज के दरबार में जो शख्स मदद मांगने के लिए आया है उसको वो कैसे मना कर सकते हैं। वो उस शख्स की बात मान जाते हैं और मीर हुसैन को अपने यहाँ पर शरण दे देते हैं। जब ये बात मोहम्मद गोरी को पता चलती है तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना राजदूत बनाकर सम्राट पृथ्वीराज के दरबार में भेजता है। वो ये संदेश सम्राट पृथ्वीराज को देता है, जिसके मुताबिक सम्राट पृथ्वीराज को अपना सिर झुकाकर मीर हुसैन को मोहम्मद गोरी के हवाले करना होगा, अन्यथा वो युद्ध के लिए तैयार रहें। जिसके बाद सम्राट पृथ्वीराज कुतुबुद्दीन ऐबक से कहते हैं कि अपने सुल्तान को कह दो कि अगली मुलाकात युद्ध भूमि में होगी। जिसके बाद तरान का पहला युद्ध होता है, जिसमें सम्राट पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी को एक कराड़ी हार देते हैं। मोहम्मद गोरी को कारागार में डाल दिया जाता है, जहां पर चंद बरदाए उसके पास आता है और मोहम्मद गोरी से कहता है कि तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मुझे कह देना। मोहम्मद गोरी उससे पूछता है कि सम्राट ने मुझे जिंदा क्यों छोड़ा है, ये मेरे लिए एक शर्म की बात है और वो अगर अपने सम्राट के लिए कुछ करना चाहते हैं तो इसी वक्त मुझे मार दे। जिस पर चंद बरदाई कहता है कि सम्राट पृथ्वीराज से हार कर जीने में ही तुम्हारी असली हार है, अभी तुम्हारी मौत का वक्त नहीं आया है, लेकिन बहुत जल्द तुम्हारी मौत का वक्त भी आएगा। अब अगले दिन मोहम्मद गोरी को दरबार में पेश किया जाता है। दरबार में सम्राट पृथ्वीराज उससे पूछते हैं, तुम समाधान चाहते हो या फिर मृत्युदंड? गोरी कहता है कि तुम्हारे पास अभी मौका है तो तुम मुझे मृत्युदंड दे दो, क्योंकि अगली दफा जब मैं तुम्हारे सामने आऊंगा तब तुम मुझे पराजित नहीं कर सकते, मैं तुम्हारा ये अहंकार चकनाचूर कर दूंगा, मैं तुम्हें मृत्युदंड दूंगा। जिस पर सम्राट पृथ्वीराज कहते हैं कि मुझे इस चीज का कोई भय नहीं है कि तुम मुझे पराजित कर दोगे, और वो उसे मृत्युदंड नहीं देते। अब हम संयोगिता के पिता जयचंद को देखते हैं, जो बलि दे रहे हैं। उनका जासूस आकर उन्हें बताता है कि जल्द ही दिल्ली के तख्त पर पृथ्वीराज बैठने वाला है। अब जयचंद अपने नाना से पृथ्वीराज के तख्त पर बैठने का कारण पूछता है। उसका नाना बताता है कि पृथ्वीराज योग्य है, इसलिए उसे दिल्ली का तख्त दिया जा रहा है। फिर जयचंद वहां से चला जाता है। जयचंद राय अपने भाई बलुक राय को राजदूत बनाकर पृथ्वीराज के दरबार में भेजता है। बलुक राय जयचंद का पैगाम पृथ्वीराज को सुनाता है। पृथ्वीराज जयचंद को आधा दिल्ली का राज्य दे दे और जयचंद के अधीन हो जाए, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जाए। सम्राट पृथ्वीराज युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जयचंद युद्ध में पृथ्वीराज का सीधा मुकाबला नहीं करना चाहता था, इसलिए वो एक तरकीब निकालता है। वो पृथ्वीराज की एक सोने की मूर्ति बनाकर नगर के सामने रख देता है, क्योंकि पुराणों का यह मानना था कि कोई राजा अगर आपसे सहमत नहीं है तो उसकी सोने की मूर्ति बनाकर अपने अधीन रख ले तो ये मान लिया जाएगा कि वो राजा भी आपके अधीन है। इसलिए उसने सम्राट पृथ्वीराज की सोने की मूर्ति बनाई और उसे अपने सामने रख लिया। जब यह बात संयोगिता को पता चलती है तब वो काफी गुस्से में आती है। तब वो जयचंद से कहती है कि पृथ्वीराज जैसे महान इंसान की मूर्ति मंदिर में रखनी चाहिए, ना कि अपने दरवाजे पर, ऐसा कर तुमने उनका अपमान किया है। जिस पर जयचंद संयोगिता से कहते हैं कि तुम हमारे दुश्मन का साथ क्यों दे रही हो। जिस पर संयोगिता कहती है कि वो पृथ्वीराज से प्यार करती है और वो शादी सिर्फ और सिर्फ पृथ्वीराज से ही करेगी और किसी से भी नहीं।
नहीं, स्वयंवर का दिन आता है जहां कन्नौज के राज पुरोहित संयोगिता के सामने ये कहता है, यहां पर मौजूद सभी लोग अपने राजा का गुणगान करेंगे और इनमें से तुम्हें जो भी राजा पसंद आएगा तुम उसे अपना वर चुन लेना। संयोगिता पूछती है क्या उसे यह अधिकार है कि वो अपने मन पसंद का राजा चुन ले, जिस पर राज पुरोहित कहता है कि हाँ बिल्कुल। जिसके बाद संयोगिता वरमाला लेकर पृथ्वीराज के सोने की मूर्ति पर डाल देती है। अब सम्राट पृथ्वीराज घोड़ों पर बैठकर वहां पर पहुंचते हैं और संयोगिता को उठाकर ले जाते हैं। वो माता भवानी की पूजा करने के लिए संयोगिता के साथ अपने राज्य से बाहर जाते हैं, जिसके बाद जयचंद का एक आदमी जयचंद की आज्ञा लेकर गौड़ किले पर हमला कर देता है, जिस हमले में पृथ्वीराज के करीबी काका की मौत हो जाती है। अपने काका की मौत की खबर सुनकर अपने काका की मौत का बदला लेने के लिए तलवार उठा लेते हैं, मगर चंद बरदाए उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि काका की आखिरी इच्छा थी जयचंद को माफ कर दिया जाए। साथ ही ये भी कहते हैं कि युद्ध में जो लोग मरे हैं उनका गम नहीं मनाया जाए बल्कि खुशी मनाई जाए। जिसके बाद पृथ्वीराज रुक जाते हैं। वहां जयचंद दिल्ली के सौदागर से मिलता है और उसे मोहम्मद गोरी के लिए पैगाम ले जाने के लिए कहता है। जयचंद कहता है कि मोहम्मद गोरी सम्राट पृथ्वीराज को हरा कर उसके हवाले कर दे, बदले में मोहम्मद गोरी जो भी चाहेगा वो उसे मिलेगा। ये संदेश वो मोहम्मद गोरी को सुनाता है। मोहम्मद गोरी कहता है कि वो विचार करके उन्हें बताएगा और कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना संदेश सम्राट पृथ्वीराज के सामने ले जाने के लिए कहता है, जहां पर ऐबक सम्राट पृथ्वीराज से कहता है कि सुल्तान मोहम्मद गोरी बहुत दयालु हैं, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, मोहम्मद गोरी के आगे सर झुका लो, वो तुम्हें माफ कर देंगे। अगर ऐसा नहीं किया तो फिर युद्ध होगा। फिर एक बार सम्राट पृथ्वीराज भी युद्ध का ही रास्ता चुनते हैं। अगले ही दिन बहुत बड़ा युद्ध होता है। मोहम्मद गोरी को अब ये लगने लगा था कि वो ये युद्ध बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं लड़ पाएगा। उस समय ऐसा होता था कि कोई भी राजा रात के वक्त हमला नहीं करता था, लेकिन गोरी जिसे अपने हार का डर सता रहा था वो रात के वक्त ही हमला कर देता है, जहां पर वो सम्राट पृथ्वीराज के सैनिकों के खेमों में आग लगा देता है। सम्राट पृथ्वीराज फिर भी डट कर मुकाबला करते हैं, लेकिन गोरी कुछ लोगों को बंदी बनाकर उनके ऊपर मिट्टी का तेल डालने लगता है। कुतुबुद्दीन ऐबक उन लोगों को आग लगाने ही वाला होता है कि तभी उन लोगों की जान बचाने के लिए सम्राट पृथ्वीराज खुद आत्मसमर्पण करते हैं। जब संयोगिता सम्राट पृथ्वीराज के आत्मसमर्पण की खबर सुनती है तो अपने साथ कई औरतों को लेकर खुद को आग लगा लेती है, और संयोगिता की मौत की खबर जब जयचंद को चलती है तब उसे भी काफी दुख होता है। साथ ही में उसे ये भी पता चलता है कि मोहम्मद गोरी ने सम्राट पृथ्वीराज को उसे सौंपने से मना कर दिया है। अब सम्राट पृथ्वीराज को एक क्रॉस पर लटकाया जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक सम्राट से कहता है, अभी भी मौका है, तुम मोहम्मद गोरी के सामने अपना सिर झुका लो। लेकिन सम्राट पृथ्वीराज ऐसा नहीं करते, जिसके बाद मोहम्मद गोरी सम्राट पृथ्वीराज की आंखें निकालने का हुक्म देता है। इसके बाद वो चंद बरदाई से मिलने जाता है। चंद बरदाई कहता है कि पृथ्वीराज इतने घायल होने के बावजूद भी शेरों तक को हरा सकते हैं। इसके बाद ही मोहम्मद गोरी सम्राट पृथ्वीराज को शेरों से लड़ाता है, जिसमें सम्राट पृथ्वीराज बिना आंखों के भी शेरों को हरा देते हैं, लेकिन पृथ्वीराज बेहोश हो जाते हैं। अब मोहम्मद गोरी के सिपाही पृथ्वीराज के पास पूछने आते हैं, क्या तुम कल लड़ने के लिए तैयार हो? सम्राट पृथ्वीराज हाँ में जवाब देते हैं। दूसरे दिन रणभूमि में पृथ्वीराज को 7 तीर दिए जाते हैं। इन 7 तीरों में से किसी एक सैनिक को भी तुमने मार दिया तो फिर उसके लोगों को छोड़ दिया जाएगा, जिस पर सम्राट पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी को ही चुनौती दे देते हैं कि छोटे मोटे सिपाहियों को मारने से क्या फायदा, मुझे बस एक तीर दो और सुल्तान मेरा मुकाबला करे, अगर मैं मर गया तो किसी को भी मत छोड़ना, लेकिन मैं जीत गया तो सम्मान सहित उन सबको छोड़ देना। मोहम्मद गोरी तैयार हो जाता है, जिसके बाद सम्राट पृथ्वीराज पहले ही तीर को मोहम्मद गोरी के गर्दन में मार देते हैं, लेकिन मोहम्मद गोरी के सिपाही उन लोगों पर हमला कर देते हैं, जिसमें पृथ्वीराज चंद बरदाए सारे मारे जाते हैं। सम्राट पृथ्वीराज की वीरता का सम्मान वहां बैठे मुस्लिम लोग भी करते हैं, और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और ऐसी ही लेटेस्ट मूवी की वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।